नीलू, घर की बड़ी बहू इंतजार कर रही है, पूजा का भी गृह प्रवेश करो। ऐसे चाल चलन वाली लड़की के पैर हमारे बाबूजी के घर पड़े, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करूंगी। एग्जैक्टली सर। राहुल, इस कलश को यहाँ से उठा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। 100 करोड़ की बहू आज पहली बार किचन में रसोई बनाएगी। ऑफ कोर्स, सुरभि सारी रस्में पूरी करेगी। 100 करोड़ की बहू सुरभि नहीं है, पूजा है। आप चिंता मत कीजिए भाई साहब, मैं कल सुबह सुबह ही पूजा को आपके घर भेज दूंगी। जैसा आप लोग ठीक समझे, तो फिर मैं चलता हूँ। ये मिस्टर मामा पूजा को वापस ले जाने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों थे? कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि इनकी भांजी 100 करोड़ की गुड़िया है? आज शाम को यही पहनकर तैयार होना। अब तुम नरेन की सिर्फ दोस्त नहीं, पत्नी भी हो। प्यार करती हो ना नरेन से, तो क्या इस प्यार को जिंदगी नहीं देना चाहती? ये रात आज तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। मिलन की ये रात दोनों जीवन साथी का अधिकार होता है। अपने पिया के लिए ऐसे संवरना कि वो तुमसे अपनी नजरें ना हटा पाए। सीरियसली मॉम, वो नौकरानी 100 करोड़ की मालकिन है? यस। हाँ तो गंगा उल्टी बह निकली मॉम। ऑनेस्टली मॉम, मुझे अगर पहले पता होता मैं तो इस पूजा से ही शादी कर लेता। 100 करोड़ के लिए उसे जेल तो लेता ही। ये मजाक का टाइम नहीं। सुरभि भले ही 100 करोड़ की मुर्गी ना सही, लेकिन है तो सोने की ही ना। और अगर हमें सोने में खेलना है तो कुछ दिन के लिए ही सही, तुम्हें अपने बहकते कदम रुकने होंगे, संभालने होंगे। इसलिए तुम्हें सुरभि को कंफर्टेबल करना होगा, उसे प्यार से हैंडल करना होगा, ताकि वो इस 5-स्टार कैद से कहीं भाग के ना जा सके। समझे? चल मॉम, सुरभि को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे किसी के बहकते कदम रोकना है। आपने क्या सोचा था गुरु जी? आप मेरी शादी सुरभि से करा देंगे तो मैं सब भूल जाऊंगा? अभी मेरी भूलने वाली उम्र भी नहीं हुई है गुरु जी। हो गया तुम्हारा? नीवी क्या जल्दी है गुरुजी? आपने हमें धोखा दिया, हम आपको थोड़ी सी जिल्लत भी नहीं दे सकते। हेलो पंडित जी, जवाई बाबू आज पहली दफा घर आए और मैंने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की, लेकिन मैं और करता भी क्या पंडित जी? जैसे पूजा को उनके साथ भेज देता। अब जल्दी से हमें पूजा में कुंडली में बैठे विवाह दोष का उपाय निकालना होगा। अरे लड़की, तू कब आई? मामा, मैं देख रही हूँ कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान, और अभी पंडित जी से आप किस कुंडली दोष की बात कर रहे थे? मामा, मुझसे कुछ मत छुपाइए, जो भी बात है वो मुझे जाननी है।
अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, बस तेरी कुंडली की ग्रह दशा थोड़ी सी खराब चल रही है। पंडित जी से उसी का निवारण पूछ रहा था मैं, और नरेन बाबू को ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने उनसे इस लहजे में बात की। मामा, आप इन सब बातों पे कब से यकीन करने लगे? बेटा, जब बात अपनों पर आती है ना, तो दिल कोई भी लापरवाही बरतने की गवाही नहीं देता। जी, आप पूजा जी हैं? जी हाँ। ये आपके लिए। थैंक यू। नरेन बाबू अभी अभी तो यहां से गए हैं। हैरान मत होना, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं अपनी वाइफ को हर रोज फूल भेजूं, उसे शॉपिंग पर ले जाऊं, तो बस तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस ही तो फॉलो कर रहा हूं। एक बार पूजा भाभी को सरप्राइज देकर तो देखो, आपका और ताऊजी का कंपनी में जो जॉइंट अकाउंट है उसमें से पैसे निकालना। ये लास्ट डे है इस ऑफर, कहीं भाभी से ये सरप्राइज मिस ना हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। उससे भागकर जिस घर में छुपने आए है ना, ये आपकी समधियों का नहीं है, ये मेरी प्यारी माँ का है। तो वही कागज है जो मैंने वो प्रॉपर्टी डीलर खुराना को दिए थे। और खुराना ने पेपर मुझे दे दिए। चलो निकलो यहां से। उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। क्यों बुला है तुझे उसे यहाँ पे? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी। जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाओ। पानी, बारिश हो रही है। इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हेलो आंटी, आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई। नाइस। व्हाट्स हैपनिंग? सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? आई थिंक मम्मा शुड मैरी सैंडी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो प्रज्ञा है, उसने खुद अभी को फोर्स किया पूजा के लिए, तो वो मना क्यों करेगी? उसका भी तरीका है मेरे पास विला। हम उसे पूजा में बैठने के लिए मना करेंगे। जब वो पूजा के लिए मना कर देगी तो वो घर वालों की नजर में एकदम बुरी बन जाएगी। सब उससे नफरत करने लगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम चाहते थे। तो अगर वो मान गई तो वो मुन्नी, अगर वो नहीं मानती है तो प्रज्ञा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ गई, निशा ये क्यों कह रही थी कि हमारी शादी को 21 साल हुआ है? निशा अपने बीते कुछ साल भूल चुकी हैं। उनको अपनी शादी के 1 साल तक का ही वक्त याद है।